अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूं और आज सुबह सुबह उठा हूं कहीं काम के सिलसिले में जाने के लिए, तो बाहर निकला तो देखा कि आज तो बहुत ज़्यादा धुंध जो है नज़र आई, और मैंने सब कहा कि आप तक भी ये तस्वीर और वीडियो पहुंचाऊं कि किस तरह इस्लामाबाद में धुंध का राज है। ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे है, और यहाँ दूर दूर तक शदीद धुंध नज़र आ रही है। धुंध की वजह से शदीद सर्दी भी आई है, क्योंकि तीन दिन लगातार यहाँ बारिश थी और PSL का मैच जो है वो भी रात में ही हो सका, और जिसकी वजह से बारिश जो है वो शदीद थी। रात बारिश तो रुक गई, लेकिन सुबह सुबह जब हम उठे तो ये धुंध थी, और जिस तरह आप देख लें कि सड़कों पर ट्रैफिक तो रवा दवा है, लेकिन इस वक्त धुंध का भी राज है। ये मौसम उस वक्त जब जनवरी में शदीद धुंधें थीं और पूरे पंजाब और दीगर जो अज़ला हैं वो उसने धुंध में अपने लपेट पे लिए हुए थे, तो आज भी इसी तरह वो मौसम जो है दोबारा हो गया और शदीद धुंध है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं दूर दूर तक धुंध है, और मौसम बहुत अच्छा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जो है सूरज निकल आएगा, इसके बाद हल्की फुल्की धूप भी होगी, और इस धूप की वजह से मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा और सर्दी की जो शिद्दत है वो भी कम होगी। और फिर आगे ये भी बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की तरफ से कि लगातार फिर 5 दिन मज़ीद बारिशें हैं, और चूँकि आज यकम मार्च है और तीसरा महीना शुरू हो गया 2020 का, और इस दौरान भी देख लें कि किस तरह शदीद सर्दी का मौसम है, और मौसम आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैंने एक सफ़र पे जाना है बहुत दूर, और इस वजह से सुबह सुबह निकला, और जिसकी वजह से जो है आज मुझे भी मौका मिला कि मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को धुंध का दिखा दूँ कि किस तरह इस्लामाबाद में शदीद धुंध का राज है। गाड़ियाँ जो हैं वो रवा दवा हैं, ट्रैफिक रवा दवा है, और महकमे मौसमियात वाले बता रहे हैं कि आज ये धुंध जो है वो छट जाएगी, और जिसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। ये शदीद धुंध है दोस्तों, और इस जो धुंध है इसकी वजह से सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सुबह बहुत दूर करीब से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इस वक्त थोड़ी थोड़ी जो है धुंध ख़त्म हो रही है, और एक दूसरे को लोग देख सकते हैं, देख लें कि गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लाइटें उनकी जली हुई हैं, और ताकि किसी को कोई मसला दरपेश ना हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अभी हमने सफ़र पर निकलना है, कहीं जाना है सुबह सुबह, जिसकी वजह से आज मुझे भी सुबह सुबह इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा।